तो दोस्तों चलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो जो कि है Asus Zenfone Max Pro और Realme 3 के कैमरा के ऊपर। तो चलिए दोस्तों ये है मेरे पास Realme 3 3 GB 32 GB और इसका कैमरा है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और इसकी सेल्फी आती है आपकी 13 मेगापिक्सल की और ये आपको मिल जाएगा 9000 रुपये में। आप चाहे ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो आपको कहीं भी मिल जाएगा। दोस्तों ये है Asus Zenfone Max Pro M1, ये भी है मेरे पास 3 GB 32 GB और इसका कैमरा है 13+5 मेगापिक्सल का और ये जब मैंने लिया है तो 11000 रुपये का था और आज की डेट में ये आपको 8000 रुपये के आसपास मिल जाएगा और ये आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा, ये भी आज सुन लीजिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये करा हूँ Asus Zenfone Max Pro M1 के बैक कैमरे से और ये मैं वीडियो 1080p पे शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोज़र अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर लेता है, इस एक्सपोज़र में कोई भी कमी नहीं आती दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसको जूम किया तो थोड़ी बहुत नॉइज़ आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 3 के बैक कैमरे से जो कि आता है 13 मेगापिक्सल का और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े कलर्स आपको थोड़े ज़्यादा सैचुरेशन लेवल थोड़ा हल्का सा ज़्यादा मिल जाएगा और आपको इसमें एक्सपोज़र की कोई भी कमी नहीं आने वाली है और जूम करने पर इसमें भी आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये है नॉर्मल शॉट्स Realme और Asus के फ़ोन में। तो आप देख सकते हैं Asus का फ़ोन थोड़ा क्लासिक टोन में फ़ोटो लेता है और Realme 3 का थोड़ा वाइट टोन में फ़ोटो आपको लेता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन इसमें क्लियरिटी दोनों ही फ़ोन की दोस्तों काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों ये है सेल्फ़ी Realme और Asus की। तो आप देख सकते हैं कि Realme में काफ़ी अच्छी आपको सेल्फ़ी देखने को मिल जाएगी अब असली इसमें, क्योंकि 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और Asus Zenfone Max Pro की थोड़ी आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल देखने को मिल जाएगी सेल्फ़ी। और ये है दोस्तों कुछ Realme और Asus के ऊपर मैंने जो शॉट्स लिए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें आपको रेंज मिल जाएगी। जब मैंने इसको दोस्तों Asus की पिक को जब मैंने जूम किया तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत इसमें नॉइज़ आपको देखने को मिल जाएगी और Realme के फ़ोन में भी आपको दोस्तों बहुत ही नॉइज़ देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो जूमिंग दोनों ही फ़ोन की दोस्तों बेकार है, ये आप मुझसे अभी के अभी सुन लीजिए। तो दोस्तों ये है पोर्ट्रेट शॉट Asus Zenfone Max के ऊपर, Max Pro के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर ये पोर्ट्रेट शॉट दोस्तों लेता है। तो आप देखिए जब मैंने जूम किया तो यहाँ थोड़ी नाक के आसपास थोड़ी सी आपको गड़बड़ यहाँ पर दिखाई देगी दोस्तों, बाकी शॉट ये काफ़ी अच्छा है। देखिए दोस्तों ये है Realme 3 का शॉट जो कि आता है 13+2 मेगापिक्सल के कैमरे के ऊपर। तो देख सकते हैं आपकी पोर्ट्रेट शॉट ठीक ठाक ही ले लेता है पर उतना अच्छा नेचुरल ब्लर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट में थोड़ी बहुत कमी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, इसने वायर को ही वहाँ से ब्लर कर दिया है दोस्तों। तो ये भी कुछ शॉट मैंने Realme 3 के ऊपर लिए हुए हैं। दोस्तों ये है पोर्ट्रेट शॉट ऑन Asus Zenfone Max Pro M1। तो आप देख सकते हैं कि 5 मेगापिक्सल कैमरे की होने की वजह से ये काफ़ी अच्छे ब्लर यहाँ पर आपके फ़ोटो को दे देता है दोस्तों और इसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। जूम करने पर भी दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर कमी नज़र नहीं आएगी। तो ये है दोस्तों कुछ शॉट्स जो मैंने Realme और Asus के ऊपर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कोई भी ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल्फ़ी Realme की काफ़ी अच्छी यहाँ पर आई है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये सेल्फ़ी Asus के ऊपर मैंने ली है और ये काफ़ी ही आर्टिफिशियल टाइप यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये है दोस्तों माइक्रो शॉट Realme 3 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे माइक्रो शॉट दोनों ही फ़ोन यहां पर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है माइक्रो शॉट Asus Zenfone Max Pro M1 के ऊपर। तो दोस्तों यही था कुछ कंपैरिजन इनके कैमरा के ऊपर। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि आपको किसका कैमरा अच्छा लगा। तो मुझे दोस्तों पर्सनली बैक कैमरा Asus का और फ्रंट कैमरा Realme 3 का बहुत ही धांसू है दोस्तों। दोस्तों कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का पता लग जाए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन से फ़ोन का कैमरा कितना अच्छा लगा।